समाजवादी पुरोधा कहे जाने वाले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सपाइयों ने 81वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सपाइयों ने रामलाल वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों के साथ केक काटने के साथ नेताजी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। सचिन चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी लोहिया भाई, किस तरह का ये नेताजी का जन्मदिन आप लोगों ने मनाया, क्या संदेश दिया है? आज परम आदरणीय अति आदर व सम्मान के योग हमारे माननीय नेताजी का आज 81वां जन्म दिवस, हम लोग यहाँ रामलाल वृद्धा आश्रम जो आगरा में यहाँ सिकंदरा पर स्थित है, वहाँ पर हम समस्त पार्टी के लोग, पार्टी के पदाधिकारी लोग, हमारे योजन सभा के अध्यक्ष हमारे अनूप यादव जी, हमारे विवेक यादव जी, शिक्षक सभा के हमारे प्रदेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरपी सिंह जी, हमारे भाई शिवराम यादव जी, हमारे छात्र नेता अमित यादव जी और हमारे युद्ध सभा के अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के फिरोज खान जी, तमाम हमारे नौजवान साथियों ने मिलकर आज हम संकल्प दिवस के रूप में माननीय नेताजी का जन्मदिन मनाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नेताजी खूब दीर्घायु, ईश्वर उनको दीर्घायु से नवाजे, हमेशा वो स्वस्थ रहें और हमेशा हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर, सदैव उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलते रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, यही मेरी ईश्वर से कामना है। राम यादव, समाजवादी, क्या कहना चाहेंगे नेताजी के जन्मदिन? आज हम लोगों के नेता आदरणीय किसान और मजदूर और नौजवान छात्रों के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धे आदरणीय नेताजी का जन्मदिन है। हमने ये जन्मदिन आज वृद्ध आश्रम में, जो नेताजी के जिन लोगों के चहेते थे, किसानों के, व्यापारियों के, मजदूरों के, उनके बीच में ये जन्मदिन मनाया है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और बुजुर्गों से ये निवेदन करते हैं कि नेताजी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हम नौजवानों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। सचिव लोहिया भाई, समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, गरीब किसान मजलूमों के नेता, आदरणीय नेताजी का आज 81वां जन्मदिन है। आज सभी समाजवादी साथियों ने आगरा में रामलला वृद्धा आश्रम में आके मनाया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नेताजी लंबी आयु लिए, यही हम कामना करते हैं। फिरोज खान, मैं समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज नेताजी? देखिए, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि धरती पुत्र के नाम से नेताजी के नाम के बाद अगर सुभाष चंद्र जी या किसी के आगे नेताजी लगा तो वो मुलायम सिंह यादव जी के आगे। आज उनका 81वां जन्मदिन है और हम लोग यहाँ सभी नौजवान, बड़े और छोटे भाइयों के संग आके यहाँ पे वृद्धाश्रम में जो उनका जन्मदिन मनाया है, हम ये चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे संग रहे, उनकी दुआएं हमारे संग रहे, जिससे कि नौजवान इस देश में और इस प्रदेश में जो विकल्प चुनना चाहता है वो विकल्प चुने और संघर्ष उनसे सीखे, और हम लोग हमेशा उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे और उनके लिए दुआएं करेंगे कि आने वाले समय पे फिर से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनके आशीर्वाद से बने। यादव विधानसभा का महानगर अध्यक्ष अरुण जी, किस तरह का नेताजी का जन्मदिन मनाया, क्या संदेश दिया, क्या मैसेज दिया? आज परम आदरणीय, परम श्रद्धे और हमारे सिर पर उनका हमेशा हाथ बना रहे, ऐसे हमारे परम आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी का 81वां जन्मदिन हम लोग रामलला वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग लोगों के साथ, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, यह यहाँ पर रामलला वृद्धा आश्रम में वो लोग रह रहे हैं जिन्होंने उनको परिवार से निकाल दिया, उनके बीचों बीच में हमारी पूरी टीम, यदुवीर भैया, रोज खान, हमारे शिवराम यादव जी, सचिन चतुर्वेदी जी, काफ़ी पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग आकर के नेताजी का जन्मदिन मनाया, केक काट करके सभी को लड्डू वितरण किए हैं। बस यही आशा विश्वास के साथ कि हमारे नेताजी हजारों साल जिए, जुग जुग जिए, वो हमेशा स्वस्थ रहे और उनका हाथ हम सभी कार्यकर्ताओं पर हमेशा बना रहे। चिकित्सा अधिकारी हॉस्पिटल आगरा, आज हम नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 81वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोगों ने प्लान किया है कि हम सब समाजवादी पार्टी हमेशा सेवा भाव से रही है, तो इसलिए हम लोग वृद्धा आश्रम जनपद आगरा में आज हम उनका 81वां जन्मदिन मना रहे हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।